हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन या जिस मूवी पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उसका नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। हालांकि ये मूवी ट्रेलर जो भी आप इसे बोलें कुछ दिन पहले रिलीज हो गया था, बट अभी जैसी रजाकार का ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद इसका काफी डिमांड हुआ, तो हमने भी सोचा चलो लेट्स चेक इट आउट। तो चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या है कैसा नहीं। जैसे नाम से थोड़ा बहुत एक हिंट तो हो रही है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं और वीडियो पे फिर देखते हैं। ओके, वसीम रिजवी फिल्म्स। आप सबका हिंदुस्तान की सरजमी पर इस्तकबाल करता हूं। आप में से ज्यादातर लोग बर्मा में हमारे से भगाए गए हैं। हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी का आधार। ये रोहिणी है मुस्लिम्स पे क्या? तुम काफिरों को मारने से हमें जन्नत नसीब होती है। किसी को मार के जो जन्नत नसीब हो तुम क्यों ऐसे जन्नत नसीब हो? हम आने वाले 5 से 10 सालों में ही इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद करेंगे। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की हालत बहुत अलग है। मुझे तुम्हारा धर्म कबूल है। आपका इस्लाम में इस्तकबाल है। क्या ये आपको कबूल है? कबूल है। मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं। ये तो काफी सेंसिटिव टॉपिक है। ओहो, ये मदरसा था जहाँ पर आज ब्लास्ट हुआ है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि यहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सेंट्रल ने फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन हमने उनको डंप करवा दिया। मैडम ने अपनी पुलिस लगवाई है सब जगह। लोग यहाँ देश के कोने कोने से नौकरी करने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ से लोग भाग रहे हैं। इस पे तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे बहुत लोग, ऐसा समझ में आया। अभी तक उठाया कैसे नहीं ऑब्जेक्शन? ये तो यूट्यूब पे है। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। बारी बारी देख कर लो, तो मर जाएगी मेरी बच्ची। मैडम, क्या हम अपने बंगाल ओबीसी रिजर्वेशन में अपने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम भाइयों को जगह दे सकते हैं? इस पर हॉम ने कॉमेडी बिठाया है, डिस्कॉर्स हो रहा है। प्रति अधिक उसने मुझे धोखा दिया। मुझे दिल्ली जाना है मोदी जी से मिलने। हम अभी इससे निकाह पढ़ेंगे। क्या आपको कबूल है? हर हर महादेव। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या हमारा हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? तो दोस्तों, ट्रेलर तो काफी हैवी था इसका। ये पहली डिस्क्लेमर है, इसमें बच्चों को मत लेके जाइएगा क्योंकि काफ़ी सारा मतलब खून खराबा बहुत रियलिस्टिक है इसमें। और इस पर आप खुद अपनी राय बनाइए कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है देख के लग रहा है वो पर्टिकुलर ऐसा कुछ है कि म्यांमार और बांग्लादेश वगैरह से जो लोग आते हैं उनको बेस्ड है उनके ऊपर, वहाँ से जो हिंदू आए हैं खासकर। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में ना डिस्कस करते हुए ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि आप इस पर अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आपको इस ट्रेलर कैसा लगा। और ये जिसने भी रिकमेंड किया है, अब मेरे को समझ में आ रहा है क्यों रिकमेंड किया है, क्योंकि काफ़ी मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें मिलती जुलती हैं। और इसमें जहाँ तक ये भी पता चला था कि इसको एक नोटिस भी आया है, मतलब जो पिक्चर के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थे, जिसमें कोलकाता पुलिस ने इनको नोटिस दिया हुआ है डिफेमिंग का। तो दैट बीइंग सेड दोस्तों, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ये ट्रेलर में आपको क्या कुछ समझ आया क्या नहीं आया वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे जो न्यू रिएक्शन वीडियोज हैं उनको चेक नहीं किया है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।